चल भाई थोड़ी तबलीग कराते हैं मोहल्ले को। हाँ भाई क्या कहते हैं, तबलीग कराते हैं क्योंकि मोहल्ले में जो है ना काफी बंदे नमाज पढ़ने नहीं आते। चलो चलें। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख। बड़े खतरनाक रास्ते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। बंदे को वसूल करना बहुत मुश्किल है, बड़े मुश्किल रास्तों से जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक है आप? जरा बाहर आइएगा दो मिनट के लिए, सिर्फ दो मिनट के लिए। एक बार बात तो सुनो, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे मोहल्लेदारों को तबलीग करनी चाहिए। दोबारा करता हूँ भाई, आपका नाम क्या है? अल्लाह डी भाया। सिर्फ दो मिनट के लिए टाइम दे दीजिए, सिर्फ दो मिनट के लिए आ जाइए, बाहर आ जाइए, घर से थोड़ा बाहर, अंदर मेहमान है। कोई बात नहीं जी, घर से बाहर आ जाइए, दो मिनट दे दीजिए दीन की निस्बत से आपसे मिलने के लिए। अल्लाह डिवाया भाई, सिर्फ दो मिनट के लिए बैठक खोल रहे हैं अपनी, हमें आपके सिर्फ दो मिनट दरकार है, प्लीज दो मिनट दे दीजिए, सिर्फ दो मिनट। अच्छा खोलने जा रहे हैं, अभी मैंने बैठक खोल दी, अंदर आ जाइए। बैठे नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम यहाँ आपको वसूल करने आए हैं। हमारे साथ चलिए मस्जिद में असर की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद बयान होगा, वो भी आप ज़रा सुनना, काफ़ी इसलाह होगी आपकी। आपको भाईजान बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप दो मिनट हमें मस्जिद में दे दीजिए, सिर्फ दो मिनट के लिए, चलिए हमारे से मस्जिद। मोना, मेरे घर मेहमान आए हुए, आप जाए, मैं बोतल दे के आता हूँ। बोतल की फिक्र ना करें, बोतल इधर ही आ जाएगी, जाए आप बोतल लेकर आए। अभी लेकर आया हूँ जी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम दीन की रिश्वत से आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, हमारा यकीन होना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन और उसकी मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में होना चाहिए, और यही बात अभी मस्जिद में होनी है डिटेल के साथ। जी जी, आप सही कह रहे हैं। ये ले अमीर साहब, बोतल आ गई, बोतल आ गई है जी। तो ये अभी बोतल घर देकर आइए जल्दी, हम बैठे हैं इधर ही, जल्दी आना, जल्दी आ रहे हैं, टाइम थोड़ा है, नमाज का टाइम हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 hours later। आप ऐसा करो, जरा दरवाजा खटकाओ इनका दोबारा, ठीक है? बंदा हमने वसूल करके लेकर जाना है, जल्दी जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह अमीर साहब, मैं जवान को ले आए हो फिर? जी जी ले आया हूं। चलो जी जवान, चलते हैं मस्जिद में, नमाज का टाइम है। अमीर साहब मुझे लगता है इसको कोई खतरनाक बीमारी है। और परेशान होने की जरूरत नहीं, जब ये वसूल हो जाएगा ना सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। चलो जवान चलो। वो मौलवी साहब, मैं वजू कर रहा हूँ अंदर से। नहीं नहीं, पानी का इंतजाम है हमारे पास भाई जान, इनको पानी दीजिए और वजू करवाइए। वजू करिए। नौजवान वजू तो हो गया आपका, हमारे साथ अब मस्जिद में। अच्छा वो मैं टोपी और तस्बीह ले आऊं अंदर से? टोपी तस्बीह का भी इंतजाम है हमारे पास है बड़ा। इसको टोपी ये ले, तस्बीह तो टोपी भी ये ले, टोपी, चलिए हमारे साथ। अब तो कोई बहाना नहीं है ना, अब तो चलिए हमारे नमाज का टाइम, चले भाईजान चले चले। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं एक मिनट गोली खाऊं। परेशान ना, हमारे पास सारे इंतजाम है, इसको गोली दीजिए। जी लीजिए गोली, चले बस। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। सारे बहाने तो खत्म हो गए हैं, और मैं और क्या बहाना करूं। ओए पर खुदा क्या हुआ है, खैरियत तो है मेरी?
टांग। हलजान चारपाई पे लेट गए। ओ ओए मेरी टांग। जमात का टाइम जा रहा है, इसको जमान को जल्दी मस्जिद लेकर चलते हैं। ठीक है अमीर साहब चलें। मिला